लुक नंबर वन। ओहो, ये लड़का इसको इतना घुमा रहा है, इतना घुमा रहा है, इतना घुमा रहा है, बेचारी को चक्कर आ जाएगा, पता है, इतना घुमा रहा है। Hey guys, welcome back to our channel, The Kind Travelers. तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, कवर पिक्चर से भी पता चल गया होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के व्लॉग के लिए। लास्ट ईयर मैंने 9 डे 9 कलर 9 लुक्स किए थे, पर इस बार मैंने सोचा क्यों ना अपना डांडिया वाला लुक दिखा दूँ, जिसमें मैं लहंगा चोली, क्या बोलते इसको, चनिया चोली, वॉट एवर वो पहनी हूँ। तो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट भी एक पहन के किया है और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और आप लोगों को कमेंट में पूछूं कि आप लोगों को कौन सा लुक सबसे ज्यादा अच्छा लगा, राइट करें? Yes, all right. तो चलो अभी मैं बैक कैमरा से वैधु का लुक दिखाता हूँ आपको और आप बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। बहुत अमेजिंग लुक्स होने वाले हैं, तो ये वीडियो ना बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो ये है लुक नंबर वन। ओहो, क्या बात है, ये मेरा फेवरेट लुक है पूरा। Yes, तो ये करण का फेवरेट लुक है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी से स्टार्ट करूँ वीडियो। तो ये ब्लैक कलर का और ये मल्टी कलर है, तो ब्लैक के साथ मल्टी कलर बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज डाले हैं जो गरबा में हमेशा सब डालते हैं, तो कुछ इस तरीके से मेरा लुक है। हेयर स्टाइल तो मैंने अभी तक तो कुछ सेट नहीं किया है, बट अगर आपको मेरी हेयर स्टाइल और पूरा कंप्लीट लुक देखना है तो मैंने एक रील अपलोड किया है, वो देख लेना, वहाँ पे मैंने एक्चुअली कैसे रेडी होने वाली वो सारी चीजें बताई है। तो मेन वाला आप इसका डिटेलिंग देख लो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये कैसा लगा। कितना मस्त ब्लाउज है इसका, इसने अच्छा एक्सेसरीज पहने वैदु ने यहाँ पर। अरे कमर पट्टा भी, वाह क्या बात है, क्या बात है। एंड कुछ इस तरीके से लुक है। एक बार हाँ, ऐसा गोल घूम के। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, हैट्स ऑफ टू ऑल गुज्जू पीपल, या जो भी लोग ये पहन के इतना करते हैं गरबा करके देखा, मुझे आई नहीं रहा। मैं ट्राई तो कर रही हूँ, मतलब मुझे पता नहीं कैसे करते हैं लोग इतना, मैं हिल भी नहीं पा रही। और इसके साथ उन लोग इतना हैवी और इतना फास्ट गरबा करते हैं, पता नहीं, हैट्स ऑफ टू देम। बट या मुझे बहुत पसंद था, मुझे हमेशा से ऐसा कुछ पहनना था और ट्राई करना था। पहन के ट्राई में जरूर करूंगी, गरबा खेलने भी जरूर जाऊंगी, भर ले गिर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राई जरूर करूंगी। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट माय लुक वन। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नाउ इट्स टाइम फॉर करण। नहीं, थोड़ा सा BTS दिखाऊंगा मैं। अच्छा, अभी हम लोग शूट करने जा रहे हैं नीचे, वैधु का ये लुक बहुत अच्छा एक अच्छा, वीडियो बनने वाला है। वैधु के इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आने वाला है, सो वो देखना, वो भी बहुत मस्त होने वाला है। जब ये लड़का टाइम पे वीडियो देगा, होप लिखिए, ये नवरात्रि में मिल जाएगा ना। हाँ, मिल जाएगा ना, ये ना कि अगले नवरात्रि में अपलोड करूं मैं। अच्छा क्या बोलते, पता क्या बोलते, अरे ब्लॉग शूट करने वाले थे पहले बताना था ना, मैं अच्छे कपड़े पहन के था। अच्छे तो कपड़े पहने और कितना अच्छा पहने, बहुत हैंडसम लग रहा है भाई। शूट का पहला सीक्वेंस स्टार्ट हो गया और वैधु की हालत थोड़ी सी हो गई है खराब, क्योंकि धूप भी इतनी है। वाह क्या बात है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है वैधु। धूप है और हम लोग हमारी सोसाइटी में आए, लेकिन हमारे वहाँ पे घर है, लेकिन वहाँ से आने ही लगा, ये मेरे को कार में लेके आया, कार से आने के बाद सिर्फ 2 मिनट चली मैं, सिर्फ 2 मिनट और ये हालत खराब है। तो क्योंकि इतना आउटडोर शूट करना जरूरी है, घर पे कर लेते हो, बोला नहीं नहीं सारे आउटडोर होंगे, बोलता 15 मिनट में होगा ही आउट। बोलता मेरा आवाज देख कैसे खराब निकाल रही है, उसका आवाज वैसे ही वैसे भी। हाँ अब सुन लेना, उसके बाद बताना कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, ठीक है? ऑलराइट, चलो ये शूट के लिए रेडी होते हैं, मैं आपको BTS दिखाऊंगा थोड़ा। तो ये रहा BTS आप लोगों के लिए, कुछ ऐसा शूट हो रहा है। अगर हम लोग दोनों गिर गए तो एक साथ नहीं, 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 नहीं। चलो हो गया ये वाला शूट ऑलमोस्ट हो गया ना निखिल, अब थोड़े से पीछे से बचे, क्या बचा? ये लड़का इसको इतना घुमा रहा है, इतना घुमा रहा है, इतना घुमा रहा है, बेचारी को चक्कर आ जाएगा, पता है, इतना घुमा रहा है, देखो। सो हम लोग वीडियो शूट करके आ गए और इतना ज़्यादा धूप था कि हम लोग ने डिसाइड किया कि जो बचे हुए 3 आउटफिट्स है वो इंडोर ही करेंगे। ओ हेलो हेलो, एक आउटफिट बचा है बाहर के। अच्छा, इसको चाहिए एक येलो आउटफिट है जो हम लोग इवनिंग में गोल्डन आर्ट्स में कर रहे हैं, तो मैंने बोला ठीक है चलो देख लेते हैं। फिलहाल बारी है पीच आउटफिट की, वो भी बहुत क्यूट है, तो देखो कैसा है और मुझे बताना कैसा है। अब हाँ, चौथा कौन सा कलर है?
चौथा ब्लू है तो पीच करेंगे अभी. लेट्स गो. नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड आउटफिट. तो मैंने अपना सेकंड आउटफिट चेंज कर लिया है. आपको बैक कैम से दिखाती हूँ कैसा लग रहा है. फिलहाल मैं मिरर से दिखा रही हूँ आपको क्योंकि करण का मीटिंग चल रहा है. करण बिजी है. मैं अभी निखिल को बोलने वाली हूँ शूट करने के लिए. तो तब तक मिरर से देख लो कि ये कैसा दिख रहा है. काफ़ी प्यारा प्रिटी कलर है. ये जो नेक पीस मैंने पहना है आपको पता है कहाँ पे मिलता है. प्रोजेक्ट ब्लिंक. तो जाओ और वहाँ पे कमेंट करना. तो ये रहा मेरे सेकंड आउटफिट का लुक और मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा. और सबसे बेस्ट पार्ट इसका जो हैंड वर्क किया है यहाँ पे. जब यहाँ पे आपको ऐसा ब्लू दिखने तो नहीं मिलेगा कहीं पर भी लेकिन वो एक हाईलाइट है. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. आप मुझे कमेंट में बताना आपको फर्स्ट ज़्यादा अच्छा लगा या सेकंड. एंड अभी मैं जाऊँगी यहाँ पे इस पर थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँगी और उसके बाद जाऊँगी और थर्ड आउटफिट ट्राई करके बताऊँगी. सो गाइस दिस इज़ द आउटफिट नंबर 3. आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा. ये करण को थोड़ा ओके लगा. मुझे भी एक्चुअली ओके लगा. मुझे कौन सा पसंद आया बस पता है. जो लास्ट आउटफिट होने वाला वो मुझे अच्छा लगा. लेकिन करण को कौन सा पसंद आया पता है. जो सबसे पहले वाला पहना था लाइक करण ब्लैक वाला मेरा फेवरेट है. उसके बाद जो अभी इसके बाद पहनने वाली ना वैदू वो बहुत ब्यूटीफुल है. वो वाला भी येलो वाला होने वाला है. वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा है. कलर बहुत ही अमेजिंग है. मेरे पास वैसे कलर में कुछ है नहीं. ब्लैक मैंने काफ़ी ट्राई किया बट करण को ब्लैक भी बहुत अच्छा लगा एंड येलो भी. तो जल्दी से इसका डिटेलिंग दिखा देती हूँ आपको और फिर चलती हूँ मेरे लास्ट एंड फाइनल आउटफिट की ओर. राइट करण. यस. तो इसका ब्लाउज कैसा है. वन क्या बोलेंगे इसको. इसको वन साइड शोल्डर फुल स्लीव्स और एक साइड ऐसा पैटर्न है. उसके बाद आपको दुपट्टा जैसे भी लेना आप ले सकते हो. मैंने फिलहाल तो ऐसे लिया. फिर मैंने उस दिन उस दिन बोल रही मैंने इस पर शूट किया था तो बेल्ट भी लगाया था बट अभी नहीं लगाया क्योंकि अभी मुझे काफ़ी फटाफट चेंज करना है. तो मैंने सोचा ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ. ईयर रिंग्स भी नहीं डाले तो ऐसे वाले पैटर्न में कुछ नेक पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. तो मोस्टली ईयर रिंग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. मस्त लग रहा है यार. प्रिटी प्रिटी. तो चलो भी कलर है. आई डोंट नो व्हाट कलर इज. नहीं बट अच्छा लग रहा है. इज इट अ डेनिम ब्लू कलर और ग्रे टोन. आई डोंट नो. अगर आप लोगों को पता है कलर को क्या बोलते हैं तो कॉमेंट में जरूर बताना. दिखा ना सर घुमा के दिखा पूरा घाघरे का. क्या सबसे घुमा घूमने ही बोल रहे तो भी मैं घाघरे लग. वाओ ऑलराइट. टाइम फॉर द लास्ट एंड फाइनल आउटफिट. से मैं जाती हूं और चेंज करके आपको मिलती हूं. वैदू अपने फोर्थ आउटफिट में रेडी हो गई है और ये फुल लुक आपको थोड़ी देर में दिखेगा. अभी क्या कर रही है वैदू. इयररिंग्स पहन रही है. इयररिंग्स से देखो तो ये मुझे बहुत पसंद आया. और कर जो पसंद आया वो ब्लैक वाला था. एंड इसका डिटेलिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है. तरीके से है. एंड दिस इज लाइक गिविंग मी अ प्रॉपर वाइब ऑफ नवरात्रि. दूसरा भी था जो इससे पहले दिखाया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था. दो उसमें थोड़ा सा हल्का था टच और फील था लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा है. और ऐसा कुछ मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया. तो आप लोग कॉमेंट जरूर बताना कि आप लोगों को कैसे लगा और कौन सा वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. और अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने ये कहाँ से लिया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. क्योंकि मोस्टली ऐसे कॉमेंट्स आते हैं कि कौन सा. जब भी मैंने साड़ी का डाला था तभी भी आप लोगों ने स्टोर का पूछा था. तो इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जहाँ से मैंने लिया है. आप भी आपको चाहिए तो ले सकते हैं. एंड आई थिंक ये ब्लॉग यहीं तक का था. क्या बोलना है निखिल तुझे. कुछ नहीं बोलना. निखिल एकदम भाग रहा है बिकॉज निखिल रेडी नहीं हुआ था. तो वेल गाइस तो ये ब्लॉग यहीं तक का था. एंड करण घर पे है उसका क्योंकि एक मीटिंग है. और बाकी कुछ नहीं. आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. टिल देन बाय बाय.